हेलो स्टूडेंट्स, वेरी हैप्पी गुड इवनिंग। ठीक है ना, तो आज क्या है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन और फंक्शन की एक्सरसाइज 2.1। इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया गया था उसमें है, और अब आप लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, किसी रिलेशन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि दैट इफ सेट ए इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर वन है दैट इफ सेट A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक है, 14 तक है। ठीक है ना, और एक रिलेशन दिया हुआ है दैट R इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, 3x-y इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू A। ठीक है, इस तरीके से एक रिलेशन दिया हुआ है, तो कह रहा है कि इसका डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज निकालना है। क्या है क्वेश्चन, फाइंड डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, अगर मतलब इसमें तो 14 एलिमेंट्स हैं, अगर दो या तीन एलिमेंट्स होते थे तो सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, 14 है, तो 14 का मतलब क्या है कि अगर हम एक रॉ से फाइंड करेंगे तो कम से कम क्या है, एग्जैक्टली 196 ऑर्डर पेयर हमारे फॉर्म होंगे, तो उनको बनाते बनाते हम लोगों का समय जो है बहुत ही ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग डायरेक्ट मेथड से करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको आप सही कर लीजिए। ठीक है, मतलब 3x = y लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, अब देखिए क्या कहते हैं, हमें रिलेशन ये डिफाइन करना है दैट ऑर्डर्ड पेयर। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कभी भी रिलेशन डिफाइन करने से पहले हम उस रिलेशन को बहुत अच्छे से देखेंगे कि रिलेशन कह क्या रहा है। तो रिलेशन क्या कह रहा है कि इसमें ऑर्डर्ड पेयर x, y है। कैसा ऑर्डर्ड पेयर x, y है, जो इस रिलेशन को क्वालिफाई करे। ठीक है, और जहां पर x और y दोनों कहां से हैं, सेट A से लिए जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशन की। ठीक है, यानी देखिए सॉल्यूशन कैसे, अब देखिए 3x = y है, तो हमने क्या किया, x की वैल्यू कहां से लेनी है, पहला कंपोनेंट हमें कहां से लेना है, सेट A से। तो हमने सेट A से पहला कंपोनेंट यहां पर उठाया, तो 3 × 1 = y, दैट इज y = क्या निकल के आया, 3। ठीक है, तो जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है, 3। ठीक है, सेकंड कंपोनेंट हमें कहां से उठाना है, x कहां से उठाना है, सेट A से उठाना है, तो हमने 2 उठाया। ठीक है, तो 2 के रिस्पेक्ट में हमें y की वैल्यू क्या मिली, 3 × 2 इज y, दिस इज y = 6 मिल गए। ठीक है, फिर ऐसे थर्ड उठाएंगे तो 3 × 9, 4 उठाएंगे तो 4 × 12 हो जाएगा। ठीक है, 5 उठाएंगे तो 5 × 15 हो जाएगा, 3 टाइम्स ही हो रहे हैं, 6 उठाएंगे तो 16 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग बनाते चले जाएंगे, लेकिन ध्यान दीजिए, जरा एक चीज ध्यान दीजिए कि जो सेट, जो एलिमेंट सेकंड वाला कंपोनेंट है वाई, तो वाई भी कहां से लिया जाएगा, सेट ए से। तो आप इन दो ऑर्डर पेयर के देखिए, जो 15 है और जो 16 है वो सेट ए में है ही नहीं, अपसेट है, तो इसलिए हम इन दोनों को क्रॉस कर देंगे, इस टाइप के एलिमेंट्स हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसको हम रब कर देंगे, ये केवल हमने समझाने के लिए ऐसा लिखा हुआ था, अब इसको रब। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेशन हमारा ये डिफाइन हो गया। ठीक है, अब हम अगर इस रिलेशन का डोमेन निकालें, तो डोमेन मैं रिकॉल कराना चाहूंगा कि डोमेन क्या होता था, किसी रिलेशन के सभी जो फर्स्ट कंपोनेंट है उनका जो सेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। तो डोमेन यहां पे क्या हो गया, 1, 2, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4, ये डोमेन हो गया। अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज क्या होता था, सभी सेकंड एलिमेंट का सेट।
जिन लोगों को डोमेन और रेंज नहीं पता है, ये इससे पहले प्रीवियस वीडियो एक पढ़ा हुआ है, आप उस पर रिलेशन के बारे में डोमेन और रेंज देख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, रेंज निकालेंगे। तो रेंज क्या है, रेंज ऑफ रिलेशन। ठीक है, क्या करने वाले हैं, अब इसका डोमेन निकालेंगे। तो डोमेन क्या होगा, सारे सेकंड कंपोनेंट थ्री, रेंज, रेंज क्या होगा, सारे सेकंड थ्री सिक्स नाइन एंड ट्वेल्व। ठीक है, अब कोडोमेन की बात करें तो आप ध्यान दीजिए, जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है कि कोडोमेन जो होता था वो सारा का सारा सेकंड सेट, सेकंड सेट मतलब क्या है, सेकंड एलिमेंट हम किस सेट से ले रहे हैं, तो सेट ए से ही ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है, कोडोमेन क्या हो जाएगा, ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वन टू थ्री फोर डॉट 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 फोर्टीन। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हो गया, क्या हो गया, डोमेन निकल आया, रेंज निकल आया और कोडोमेन निकल आया। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई नेचुरल नंबर का एक सेट है, ठीक है, जिसपे रिलेशन एक डिफाइन है। क्या है क्वेश्चन, इसको जरा रफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू है, क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है कि ऑन एनी सेट विच इज नेचुरल नंबर, किसी नेचुरल नंबर के सेट पे एक रिलेशन डिफाइन है। रिलेशन कैसा डिफाइन है, आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, और एक्स कॉमा वाई कैसा दिया हुआ है, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस, एंड एक्स इज लेस देन फोर, एक्स इज लेस देन फोर। ठीक है, और एक्स कहां से लेंगे, हम नेचुरल नंबर से लेंगे, क्योंकि ये नेचुरल नंबर के सेट पे डिफाइन करना है हमें। ठीक है, तो पहले हमें रिलेशन को डिफाइन करना है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है, और फिर इसको, इसका डोमेन और रेंज निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं, तो आर क्या है, हम लिख देंगे सॉल्यूशन। ठीक है, आर, आर लिखा हमने, एक्स क्या है, लेस देन फोर है, तो नेचुरल नंबर लेस देन फोर में क्या आते हैं, दैट इज एक्स का क्या हम ले सकते हैं, वन ले सकते हैं, टू लिख सकते हैं, थ्री लिख सकते हैं। ठीक है, बस लेस देन फोर सारे नेचुरल नंबर लेने, तो पहला हमने जब एक्स लिखा वन, तो वैल्यू क्या आई, वाई एक्स की वैल्यू रखो वन प्लस फाइव विच इज सिक्स, फिर दूसरी वैल्यू रखी टू, तो वाई की वैल्यू क्या आई सेवन, फिर तीसरी वैल्यू रखी थ्री, तो वाई वाई की वैल्यू क्या आई थ्री प्लस फाइव एट। ठीक है, कैसे ले रहे हैं, वाई की वैल्यू पहले वन रखी, फिर y की वैल्यू टू रखी, फिर y की वैल्यू थ्री रखी। ठीक है, क्या आया सिक्स सेवन और ये, तो इस तरीके से ये रिलेशन डिफाइन हो गया। अब अगर इसके डोमेन की बात करें, तो डोमेन ऑफ r इज ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन। ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट तो वन टू थ्री, क्या हो गया वन टू थ्री। ठीक है, और रेंज की बात करें, तो रेंज ऑफ r क्या होगी, सेकेंड कंपोनेंट सिक्स सेवन एंड। ठीक है, स्टूडेंट्स आप इसको नोट करिए। तो स्टूडेंट्स आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर, क्या लिखा हुआ है, इफ ए इज इक्वल टू वन टू थ्री फाइव एंड बी इज इक्वल टू फोर सिक्स नाइन, देन राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, इफ आर इज डिफाइंड बाई एक्स कॉमा वाई, वेयर एक्स डिफरेंस वाई इज एन ऑड नंबर, और एक्स और वाई क्या है, एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, वाई बिलोंग कर रहा है बी से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या है कि चाहे तो आप डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं और चाहे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करके निकाल सकते हैं, मैं दोनों मेथड आपको बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट मेथड से या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकालते हैं। ठीक है, तो ए क्रॉस बी, ठीक है, सॉल्यूशन, सबसे पहले हम ए क्रॉस बी इसका फाइंड कर लेंगे, क्या हो जाएगा वन फोर वन फोर वन सिक्स वन नाइन, टू फोर टू सिक्स टू नाइन। ठीक है, आप कॉमा लगाते रहिएगा इसमें,
आपको पता है ऑर्डर पेयर कैसे लिखे जाते हैं, 3 4 3 6 3 9, ठीक है। उसके बाद है 5 4 5 6 and 5 9, ठीक है। इस तरीके से हमारा ऑर्डर पेयर वो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल है। अब हमें क्या करना है कि वो सारे ऑर्डर पेयर रिलेशन आर में हैं जिनका डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कंपोनेंट क्या है, ऑड नंबर है। तो 1 और 4 का अगर डिफरेंस करें, डिफरेंस का स्टूडेंट सीधे से मतलब है कि 2 माइनस 3 अगर हम करें तो ये क्या है, सब्ट्रैक्शन है, -1 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर 2 डिफरेंस 3 करें तो क्या आएगा, 1 आएगा। डिफरेंस का मतलब उसमें साइन नहीं लिया जाएगा, ठीक है। जो साइन हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं, केवल उसमें डिफरेंस कितने का है बस उसको वो बताना रहता है। तो आर इज इक्वल टू हम क्या करें, अब 1 और 4 का डिफरेंस कितना है, 3 इज ऑड, तो क्या आ जाएगा, 1 4 आ जाएगा। फिर अगला नंबर अगर हम बात करें क्या कि 1 और 6, तो इसका भी डिफरेंस क्या है, 1 6 ले लेंगे, ठीक है, ऑड आ जाएगा। फिर 1 और 9 का अगर हम डिफरेंस करें क्या हो जाएगा, 1 और 9 का डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा, विच इज एन इवन नंबर, तो नहीं लेंगे। 2 और 4 का नहीं हो पाएगा, 2 6 का 4 हो जाएगा, 2 9 का जो अगर डिफरेंस लें तो क्या आ जाएगा, 7, तो 2 और 9 इसमें बिलोंग करेगा। 3 4 का डिफरेंस 1, तो 3.4 आ जाएगा। फिर 3 6 का डिफरेंस 3, तो 3 6 आ जाएगा। 3 9 का डिफरेंस 6 नहीं आएगा। फिर 5 4 का डिफरेंस 1 आ जाएगा। फिर 5 6 का डिफरेंस 1 आ जाएगा। फिर 5 और 9 का डिफरेंस 4 आ जाएगा, तो नहीं होगा, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, इतना जो है इस टाइप से हमारा रिलेशन डिफाइंड हो गया। डायरेक्टली अगर करना है तो आप डायरेक्ट देखिए, 1 और 4 का डिफरेंस, 1 और 4 का डिफरेंस 3 होता है इसलिए 1 4 आ गया। 2 4, 1 6 का डिफरेंस 5 होता है इसलिए 1 6 आ गया। 1 9 का डिफरेंस कितना होता है, 8 नहीं आएगा। फिर 2 4 का डिफरेंस 2 होता है, नहीं आएगा। फिर 2 6 का डिफरेंस क्या होता है, 4 होता है, नहीं आएगा। फिर 2 9 का डिफरेंस कितना होता है, 7, तो आ जाएगा। फिर 3 4 का डिफरेंस 1 होता है, आ जाएगा। फिर 3 6 का डिफरेंस क्या होता है, ऐसे सारे नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है। आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो आपको जो भी मेथड समझ में आया हो आप दोनों मेथड से इसको कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप ये कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला निकाल लीजिए और चाहे आप सिंपली डायरेक्टली मेथड से आप कर सकते हैं। तो दोनों ही मेथड आपके लिए यूजफुल हैं, आप दोनों में से कोई भी मेथड को चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपके सामने इस समय 4 और 5 दोनों क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। क्या लिखा हुआ है, एक फिगर बना हुआ है आपके सामने, सेट पी और सेट क्यू इस तरीके से डिनोट किया गया है, 5 6 7, और इसको क्यू को 3 4 5 से। तो सबसे पहले कह रहा है कि इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, सेट बिल्डर फॉर्म में आर लिख लिया, और आर कैसा होता है, एक्स कॉमा वाई फॉर्म में होता है। अब एक्स और वाई में यहां पे एक रिलेशन होगा, ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे, एक्स क्या है, एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, 5 कहां जा रहा है, 3 पे, ठीक है। तो एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू y प्लस 2। अगर हम इस रिलेशन को कहें तो देखिए, 5 x की वैल्यू क्या है, 5, और y प्लस 2 3 प्लस 2 5, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि y, या फिर ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, ऐसे लिख लीजिए। तो क्या कर रहा है, देखिए y कैसे मिल रहा है, x की वैल्यू अगर 5 रखिए तो 5 माइनस 2 क्या मिल रहा है, 3, ठीक है। फिर अगर 6 रखिए तो 6 माइनस 2 क्या मिल रहा है, 4। फिर 7 रखिए तो 7 माइनस 2 4, ठीक है। अब हम x कहां से ले रहे हैं, तो x हम ले रहे हैं बिलोंग्स टू p, एंड y कहां से ले रहे हैं, बिलोंग्स टू q। तो इस तरीके से हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अगर यही रोस्टर फॉर्म का है तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 5, 3, फिर 6, 4, 7, 5, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, ओके, बहुत ही आसान है ये सब। अगला तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा वही कह रहा है कि इसका डोमेन और रेंज बता दो। तो डोमेन और रेंज तो बहुत ही सिंपल, डोमेन क्या होता है कि ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट इन एनी रिलेशन, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट इन एनी रिलेशन। तो डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर हो जाएगा सारे फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, 5 6 एंड 7।
ठीक है, रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगी 3, 4 एंड 5, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छे से समझिए, बहुत कठिन तो है नहीं, बहुत आसान सा है ये सब। अगली बात क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, कि इफ ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 6, ठीक है, कोई एक सेट दे रखा है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, 1, 2, 3, 4, 6, एक रिलेशन दिया हुआ है। आप बहुत ध्यान से देखिए कि ए डिवाइड्स बी, ऐसे अगर सिंबल बना हुआ है और ऐसे अगर सिंबल बना हुआ है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है और ये ऑब्लिक वाली है, तो इन दोनों में है डिफरेंस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, दैट बी डिवाइड्स ए, और इसका मतलब क्या है, ए डिवाइड्स, ठीक है, बी। तो क्या मतलब है, ए डिवाइड्स बी, ठीक है, ए बी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ऐसा हमें रोस्टर फॉर्म लिखना है, ठीक है, क्या कर रहा है, दैट ए डिवाइड्स बी, हाँ ठीक है, तो ए डिवाइड्स बी हमें दिखाना है, कैसे, तो ए डिवाइड से मतलब क्या है, ए क्या लिखा हुआ है, बी अपॉन ए लिखा हुआ है, ठीक है, ए डिवाइड्स बी, ए जो है वो बी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, देखते हैं रोस्टर फॉर्म लिखना है। तो सबसे पहले क्या करें, कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लीजिए, तो ए क्रॉस ए, क्योंकि दोनों एलिमेंट्स कहां से हैं, सेट ए से हैं, तो ए क्रॉस ए निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 1, 1, कैसे लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, 6 क्रॉस 1, 2, 3, 4, 6, ठीक है। आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए, क्या हो जाएगा, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 6, ठीक है, फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 6, फिर 3, 1, 3, 2, 3, 4, 3, 3, 3, 4, 3, 6, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, तो हम सब कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत अच्छे से निकालना सीखें, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4 एंड 4, 6, देन 6, 1, 6, 2, 6, 3 एंड 6, 4, देन 6, 6, ठीक है। इस तरीके से हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं कि इसका रिलेशन कैसे डिफाइन करें। ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे निकल रहा है, अब रिलेशन क्या है, कि जो क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, ए डिवाइड्स बी मतलब 1 डिवाइड्स 1, क्या ऐसा है, तो हमने कहा हाँ है, तो ये रिलेशन में आ जाएगा, तो 1, 1 आ गया। फिर हमने कहा 1 डिवाइड्स 2, हाँ है, तो 1, 2, ऐसे 1 डिवाइड्स 3, 1 डिवाइड्स 4 और 1 डिवाइड 6, ये तो आ गया भाई। अगली बात करें, 2 डिवाइड्स 1 क्या ऐसा है, फुल्ली, फुल्ली का मतलब क्या है कि पॉइंट में डेसिमल में कोई ऐसा नंबर नहीं आना चाहिए, 2 डिवाइड्स 1 ऐसा है नहीं, तो इसलिए ये क्रॉस हो जाएगा। फिर क्या है, 2 डिवाइड्स 2, हाँ है, तो हम 2, 2 लिख लेंगे, ठीक है। फिर अगला चेक करिए, क्या 2 डिवाइड करेगा 3 को, क्या 2 डिवाइड करेगा 3 को, नहीं करेगा, इसलिए ये भी क्रॉस हो जाएगा। फिर 2 डिवाइड्स 4 आ गया, फिर 2 डिवाइड्स 6 आ गया, फिर 3 डिवाइड्स 1, नहीं, 3 डिवाइड्स 2, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, 3 डिवाइड्स 2, 3 डिवाइड्स 3 आ जाएगा, फिर 3 डिवाइड्स 4 कैंसिल, फिर 3 डिवाइड्स 6 ये भी आ जाएगा, फिर 4 डिवाइड्स 1 कैंसिल हो जाएगा, 4 डिवाइड्स 2 कैंसिल, 4 डिवाइड्स 3 कैंसिल, फिर 4 डिवाइड्स 4, 4, 4 आ जाएगा, देन 4 डिवाइड्स 6 नहीं, कैंसिल हो जाएगा, 6 डिवाइड्स 1 नहीं, 6 डिवाइड्स 2 नहीं, 6 डिवाइड्स 3 कैंसिल, कैंसिल 6 डिवाइड 6, ये इस तरीके से हमारा रिलेशन डिफाइन हो गया। अब हमें क्या बात करनी है, अब इसके देखिए ये रोस्टर फॉर्म हो गए, अब हमें रेंज और डोमेन की बात करनी है, तो डोमेन ऑफ आर कैसे दिया जाएगा, डोमेन ऑफ आर दिया जाएगा ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट, तो क्या जाएगा, 1, सारे 1, 1 जितने हैं रिपीट तो होते नहीं, तो इसलिए हम एक बार 1 लिखेंगे, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया,
फिर 4 आ गया, देन 6 आ गया। अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा, सारे सेकंड कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट क्या है, 1 है, देन 2 है, देन 3 है, देन 4 है, देन 6 है, फिर 2, 4, 6 ये सारे आ चुके हैं इसलिए रिपीट नहीं करेंगे, फिर 3, 6, 4, 6 ठीक है। तो इस तरीके से ये इसकी रेंज हो जाएगी। क्लियर है, क्लियर है, तो इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की तैयारी करते हैं, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो नाउ स्टूडेंट्स यू हैव 2 questions 6 and 7। So, if we talk about the question number 6, solution of question number 6, question number 6 देखते हैं, क्या कह रहा है, find the domain and range of the relation defined by this, ये relation एक define हुआ है, कैसा है, x, x plus 5, और x हमें कहां से लेना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो relation define करते हैं, तो हमने सबसे पहले अगर 0 उठाया, तो 0 हम इसमें put करते हैं, x की जगह पे क्या करेंगे, 0, तो क्या है 0, अगर अगला 0 प्लस 5 विच इज 5, ठीक है, फिर क्या करते हैं 1 उठाते हैं, तो क्या जाएगा 1, 1 प्लस 5 विच इज 6, फिर 2, 2 प्लस 5 7, फिर 3, 8, 4 क्या हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 9, और 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 10, ठीक है। इस तरीके से रिलेशन डिफाइन, बहुत आसान। फिर से देख लीजिए क्या करेंगे, x की जगह पे हम क्या करेंगे, x कहां से हमें लेना है, x belongs to 0, 1, 2, 3, 4, इन्हीं में से x हमें चूज करना है, तो सबसे पहले हमने 0 चूज किया, तो 0, 0 plus 5, 0, 5, देन 1, then 1, 1 plus 5, तो 1, 6, इस तरीके से रिलेशन करेंगे। अब हम बात करते हैं डोमेन, तो डोमेन ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट, डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, सारे फर्स्ट कंपोनेंट लिख दिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए यहां पे रिस्ट्रिक्शन वाई का कोई नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इसीलिए ये 10 तक गया है, अगर रिस्ट्रिक्शन दिया होता तो मैं नहीं करता, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब रेंज ऑफ आर, तो रेंज ऑफ आर क्या है, रेंज ऑफ आर क्या है, क्या 5, 6, 7, 8, 9 and 10, तो ये रेंज है। इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, रिलेशन के किसी भी दिए हुए रिलेशन का डोमेन और रेंज निकाल रहे हैं, या फिर रिलेशन नहीं दिया हुआ है उसको मतलब रोस्ट उसमें सेंटीमीटर फॉर्म में दिया हुआ है तो हम रोस्टर फॉर्म निकालते हैं, फिर उसके बाद डोमेन और रेंज निकालते हैं। चलिए अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 तो इससे भी बहुत ईजी है, क्या कहना है, राइट रोस्टर फॉर्म फॉर आर एक्स इज प्राइम। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग जानेंगे कि प्राइम क्या होता है, जैसे बहुत से बच्चों को मैंने देखा है कि नंबर सिस्टम बहुत से बच्चों का वीक रहता है, उन्हें नेचुरल नहीं पता, ठीक है, कोई बात नहीं है, जहां पर भी ऐसी कुछ समस्या आ रही है मैं सारा डिस्कस कर रहा हूं, बाकी नेचुरल नंबर या नंबर सिस्टम पे पूरा एक वीडियो बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, व्हाट इज प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या है, प्राइम, प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं अ नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 factors, 2 factors, द नंबर एंड क्या हम कह सकते हैं 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है, मतलब कोई भी नंबर अगर उसके पास केवल 2 factor है, या हम कह सकते हैं केवल 2 number से वो डिविजिबल है, एक तो 1 से, एक या फिर वो खुद नंबर से, जैसे 2 है, ठीक है, तो 2 क्या है, केवल 2 से डिवाइड है या 1 से, फिर 3 की बात करें तो केवल 1 से या 3 से, फिर 4 की बात करें तो वो 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 1 से भी, मतलब मोर देन 2 factors अगर आ जाते हैं तो वो सारे कंपोजिट नंबर होते हैं, तो इसलिए हम प्राइम नंबर क्या कहेंगे, एग्जैक्टली 2 factors होने चाहिए उसके पास। आपको पता है तो ये बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो इस तरीके से आप समझ लीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेस देन 10 सारे प्राइम नंबर्स लिख लेंगे, ठीक है, तो सेट क्या लिखने हैं, सेट ऑफ ऑल प्राइम
सेट ऑफ ऑल प्राइम्स लेस देन 10, ठीक है, x, ठीक है, x उसी में से लेना है, तो x कहां से लेना है, x बिलोंग्स टू क्या है, सबसे पहले 2, 3, 4, 2, 3, 5, 7, ठीक है, और कोई नंबर 10 से लेस नहीं है जो भी प्राइम हो। आप अगर कहते हैं 1, तो 1 क्या है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स नहीं होते, उसके पास एग्जैक्टली 1 फैक्टर होता है, इसलिए वो 1 को हम यूनिक नंबर बोलते हैं, ठीक है, वो प्राइम नंबर्स में नहीं आता, ठीक है, x तो हमारा चूज हो गया, तो ये थोड़ा क्वेश्चन बदल गया कि x बिलोंग्स टू 2, 3, 5, 7, इसका रूप थोड़ा हमने चेंज कर दिया, ठीक है, थोड़ा कलर बदला हुआ है, कपड़ा वही है। अब हम बात करते हैं कि r, r क्या है, तो क्या करेंगे, x हमें चूज करना है 2 से, तो चूज करिए 2, ध्यान दीजिए कह रहा है x इज लेस देन 10 ना, प्राइम नंबर, x क्यूब की बात वो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो 2 लिया तो यहां पे क्या हो गया 8, फिर 3 लिया तो 3 27, 5 देन 125, 7 देन 343, तो ये हमारा क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, और यहीं पे हम क्या कर देंगे आंसर, ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, ये लास्ट टू क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, मतलब जो 2.2 एक्सरसाइज है उसके सेकंड लास्ट टू क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ ए इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एंड बी इज इक्वल टू 1, 2, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है, तो बात करते हैं कि इफ, ये थोड़ा सा मैं रिकॉल कराना चाहूंगा आपको, दैट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज एम एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज एन, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज 2 to power n, ठीक है, इस तरीके से अगर हम फॉलो करें तो हियर नंबर ऑफ ए क्या है 3 है, और नंबर ऑफ बी क्या है 2 है, अब क्या बात करेंगे, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा 2 to power m into n, विच इज 2 to power 6, विच इज 2 into 2 into 2 into 2 into 2 1 2 3 4 5 into 2, तो क्या हो जाएगा ये 64, ठीक है, ठीक है, बहुत ही आसान है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ही केवल निकालना था, जो कि हमें फार्मूला बेस्ड था, आराम से हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, ये भी इस जैसा ही बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई डोमेन और रेंज निकाल दो, इसमें क्या कह रहा है, रिलेशन नहीं डिफाइन करने कह रहा है कि उसमें डिफाइन करो आप रोस्टर फॉर्म में, ये केवल कह रहा है कि इसका डोमेन और रेंज निकाल दो, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में या किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट देना चाहिए, जितना वो पूछ रहा है बस उतना देना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं, इफ अ रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाई आर ए कॉमा बी, ए माइनस बी बिलोंग्स टू, ये जेड जो है ये इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये जो जेड है इसको रिप्रेजेंट करना है किसको, इंटीजर को, ठीक है। तो बात करें फाइंड डोमेन एंड रेंज, तो डोमेन कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं क्या कि जितने भी ए कॉमा बी अगर इंटीजर से लिए जाएंगे, ए कॉमा बी अगर इंटीजर, सपोज करिए 2 और 3 ले लिया गया, तो 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -1, विच इज इंटीजर, ठीक है। मतलब ऐसा कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा जो इंटीजर ना हो, चाहे वो डिफरेंस हो, ठीक है। तो रिलेशन में दोनों तरफ क्या आ जाएंगे, सारे के सारे इंटीजर, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट भी आप क्या कह रहे हैं, इंटीजर लीजिए, और सेकंड कंपोनेंट भी आप कह रहे हैं इंटीजर। तो हम जानते हैं
देखेंगे सॉल्यूशन। हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी दो इंटीजर लें तो उनका क्या होगा, सब्ट्रैक्शन क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा, तो इसीलिए सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर क्या आ जाएंगे, रिलेशन। ठीक है, सिंस एवरी टू इंटीजर्स सब्ट्रैक्शन, ठीक है, क्या होगा, या फिर थोड़ा मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखते हैं, फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर, ए माइनस बी ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि इसका डोमेन भी क्या होगा, डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, इंटीजर। ठीक है, और रेंज भी इसकी क्या हो जाएगी, इंटीजर। क्यों, क्योंकि सारे के यहां भी इंटीजर लेंगे, यहां भी इंटीजर लेंगे, और दोनों का डिफरेंस इंटीजर आएगा, मतलब सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे तो दोनों उसमें क्या होगा, इंटीजर इंटीजर होगा। अगर फर्स्ट कंपोनेंट लेंगे वो भी इंटीजर आएंगे, और सेकंड कंपोनेंट लेंगे तो वो भी इंटीजर आएंगे। इस तरीके से सारे के सारे डोमेन और रेंज में इंटीजर ही इंटीजर आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज ये 2.2 एंड होती है। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़िए, कोई भी डाउट है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है।